हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक इंडिया में। तो आज हम लिथियम आयन बैटरी चार्जर के बारे में बात करने वाले कि आपको चार्जर चाहिए तो बहुत से यूट्यूबर पे हमने वीडियो देखे है कि वो कुछ इस तरह के डायोड से लिथियम आयन बैटरी का चार्जर बनाने का सुझाव देते हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह के डायोड से आप ना ही बनाए तो बेहतर है। आपकी बैटरी तो ये चार्ज कर देगा लेकिन आपकी बैटरी के डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये बैटरी बहुत ही सेंसिटिव होती है पावर के मामले में। और थोड़ा भी अगर इसको ओवर वोल्टेज या फिर इसमें ओवर चार्जिंग होती है तो इसकी हेल्थ बहुत फास्ट डैमेज होती है, बहुत ही जल्दी ये बैटरी डैमेज हो सकती है। तो इस तरह का डाउट से मिला करके जो सर्किट बनता है उसमें आप ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन नहीं बना सकते, क्योंकि वो सर्किट आईसी के थ्रू होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, तो आप उनसे इस तरह के का सर्किट नहीं बना सकते। तो बेहतर रहेगा कि आप मार्केट से कोई छोटा सर्किट, अगर आप सिंगल बैटरी चार्ज करना चाहते हो तो कुछ इस तरह का ये चार्जिंग मॉड्यूल आपको मिल जाएगा। अब ये देख पा रहे हो कुछ ये बैटरी चार्जिंग किट है, ये एक छोटी सी। आप इस पर भी मल्टीपल बैटरी चार्ज कर सकते हो इस तरह के एडाप्टर से। अगर ये 5 वोल्ट का एडाप्टर होता है, इस तरह के एडाप्टर से आप अगर इस तरह की बैटरी चार्जिंग करते हो तो ये बैटरी बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 5 वोल्ट मिल रहा है जबकि ये बैटरी 4.2 वोल्ट तक ही करंट ले पाती है, उससे ऊपर ये चार्ज नहीं हो पाती। तो उससे ज़्यादा वोल्ट हम इसको दे नहीं सकते, अगर हम 5 वोल्ट देते हैं तो इसकी हेल्थ डैमेज हो जाती है। तो आप इस तरह का चार्जर अगर यूज कर रहे हैं तो आपको इस तरह का सर्किट लेना पड़ेगा। इसमें आपको इस तरह यहाँ से 5 वोल्ट देना है, आप देख पा रहे हो यहाँ से 5 वोल्ट देना है। तो यहाँ पे आपको इधर जो सेल के लिए है 4.2 वोल्ट मिल जाएगा, 4.2 या 3 वोल्ट मिल जाएगा, उससे ऊपर नहीं। और इसमें एक इंटीग्रेटेड सर्किट लगा होता है जिससे कि आपकी चार्जिंग फुल होने के बाद ये पावर ऑफ कर देता है, चार्जिंग होने नहीं देता, बैटरी की हेल्थ नुकसान नहीं पहुँचने देता। तो आप इस तरह का सर्किट यूज करें, या फिर आपके पास कुछ इस तरह के अगर ख़राब पावर बैंक है तो इनमें से भी आप सर्किट निकाल सकते हैं। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं कुछ इस तरह के सर्किट निकल जाते हैं इस तरह की पावर बैंक में, आप इससे बड़ी आसानी से बैटरी चार्ज कर सकते हैं। देखिए हमारे पास और भी सर्किट है, ये देखिए हमने कनेक्ट करके रखा हुआ है। इसमें आपको इंडिकेटर भी मिल जाते हैं बैटरी की, कितना बैटरी चार्ज हो रहा है। और इसको इस तरह से आप पैरेलल में कनेक्ट करके कितनी भी बैटरी चार्ज कर सकते हैं। हाँ, अगर एक या दो बैटरी करते हो आपकी जल्दी चार्ज हो जाएगी, जैसे कि नॉर्मली एक बैटरी को इसको 1 या 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। अगर आप ज़्यादा बैटरी लगाते हो तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, या फिर आप 10 से बैटरी लगाते हो तो आपको 2 दिन भी लग सकते हैं। इस तरह के पावर बैंक के जो सर्किट आते हैं इससे आप बड़ी आसानी से बैटरी चार्ज कर सकते हो। तो अगर आपके पास इस तरह के पावर बैंक पड़े हुए हैं तो इनको फेंकिए ना, इनमें का सर्किट आप यूज कर सकते हो, या फिर आप कहीं भी स्क्रैप में भी, ये सर्किट खराब नहीं होते हैं, इनमें ज़्यादातर बैटरी ही खराब होती है, या फिर मार्केट से आप इस तरह का सर्किट भी मंगवा सकते हो। लेकिन ये 12 वोल्ट वाला सर्किट है, इसमें भी आप बैटरी चार्ज कर सकते हो। देख रहे हो 12 वोल्ट वाला सर्किट है, इसकी ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखी है तो आप जाके देख सकते हो। तो इसमें आप एट अ टाइम 3 सेल चार्ज कर सकते हो, और पैरेलल में और भी सेल लगा सकते हो। सीरीज में आपको 3 सेल लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये 12 वोल्ट का BMS है, ये मार्केट में आपको 250-300 रुपये में मिल जाता है। तो आप इस तरह का BMS यूज कर सकते हो। इसके अलावा और भी आपको BMS होना तो कुछ इस तरह के BMS आप फ्री में प्राप्त कर सकते हो, लैपटॉप की बैटरी से निकला हुआ BMS है, यह भी कुछ इस तरह का BMS है। इसमें आपको एम्पियर कम मिलेंगे, बाकी कुछ नहीं, इसमें आपको ज़्यादा एम्पियर मिल जाते हैं। तो ये आप UPS या इन्वर्टर के लिए यूज कर सकते, इस पर इन्वर्टर तो नहीं चलेगा लेकिन आप UPS के लिए इसकी सहायता से बैटरी बना सकते हो। एक जो हमने बना के दिखाया है उसका भी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमने इसका बैटरी पैक बनाया था। तो आप इसी तरह के सर्किट आप यूज करके इन बैटरीज को चार्ज कर सकते हो। आप नॉर्मल ये डायोड के
सहायता से आप चार्ज ना करें, आपकी बैटरी हेल्थ बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगी। तो आप इसी तरह के सर्किट यूज कर सकते हैं। ये देखिए हमने एक नॉर्मली बना के रखा है, आप इसी तरह से इस सर्किट का भी हमने वीडियो में आपको बताया है, इसका भी वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसका भी हमने कैसा कनेक्शन करना है वो बताया हुआ है। तो इस तरह से भी आप इन बैटरी चार्ज कर सकते हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच।